हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं भूमि स्वागत करती हूँ आपका मिस्टर एंड मिसेस कुमाऊनी ब्लॉग में। आज हम रुके हैं रुद्रप्रयाग में और आपने कल का ब्लॉग देखा होगा हमारा, और कल का ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ब्लॉग पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और आज हम यहाँ रुके हैं रुद्रप्रयाग में, मस्त सब व्यू है यहाँ। हम कल रात से यहीं रुके थे तो अब हम यहाँ से आगे की जर्नी आज स्टार्ट करेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, इतना पता नहीं है हमको। अगर हम जहाँ भी जाएंगे वो हम आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे इंस्टा रील्स भी बनाई हुई है और आप हमारे रील्स इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। मयंक की भी हमारी आईडी है। हम चलते हैं रूम पे और पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पहले हम यहाँ से निकल रहे हैं और अपना बैग वैग सब सामान रख दिया हमने। हमारे लोग भी आ गए तो चलते हैं रोड पे और निकालते हैं गाड़ी अपनी और फिर अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। भारी हो रहा बैग यहाँ से। तो फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से और इतना बड़ा बैग ये लोग मजे में जा रहे हैं आराम से। सो हम निकलते हैं यहाँ से अपने गाड़ी की ओर। सो गाइस, हमारी गाड़ी वहाँ पर फील्ड में पार कर रखी थी हमने कल, तो हमको जाना है वहाँ पे गाड़ी लेने के लिए। तो चलते हैं, सुबह में चलना भी सही रहता है। तो गाइस, कल हमने गाड़ी यहाँ पार की थी वहाँ पर है देखो, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इलाका है सारा, तो आराम से पार कर सकते हो अगर आप रुद्रप्रयाग में होटल लाइन होटल साइड आते हो तो फ्री पार्किंग है पूरी। लोड करते हैं सामान, पूरा गंदा हो रखा है पीछे से क्योंकि हमारे खाना बनाने का सामान भी यही है कल से, तो अच्छे से एडजस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, हमने सूटकेस वगैरह पैक कर दिए। बैग दे दो, बैग क्यों? तो आज दोनों ने जीन्स पहन लिया है तो जीन्स बना रहे थे हमने, एक बना भी दी। अच्छा, इन्हें चलो उसके साथ लोकेशन भी फाइन कर दे। क्या कहा? दही, मैंने बोलता था दही बन गया कल तक तो अच्छे से। दही बन गया, दही बन गई है, मन्नी स्टार्ट हो रही है। अच्छी है, जिसको दूध से दही बनाना है तो गाड़ी में रख देना। दही बन जाती हो? अच्छा, दही हुई है, दही बन, दही बन गई, बन गई होगी वो। नहीं बनी है, खट्टी होगी होगी गरम करके। चल चलो जी, आज यहाँ से भी हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं। आज हमको जाना है पहले, सरप्राइज है, ऐसे नहीं बताएंगे, मतलब पूरा देखो। और क्या हुआ? ये ब्लॉगर साहिबा, ये देखो ऐसे बनाते हैं ब्लॉग, ये इसको छोड़ दे, बाय बाय बाय, अगली बार आएंगे लेने। तो आज भी है 200 किलोमीटर अराउंड ड्राइव हमारी, तो चलना है वहाँ को। वैसे रोड जाती है हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, और जो हमारी जो पीछे रोड है ये जाती सीधा रुद्रप्रयाग के मार्केट में। होटल से 500 मीटर आगे आए होंगे और यहाँ पे गाड़ी के ब्रेक शू चेंज करने हैं, तो देखो क्योंकि कल डिस्क के जो ब्रेक्स हुए थे पूरे घिस चुके थे और काफ़ी लंबे टाइम भी हो गया था, तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको और आगे बहुत दूर जाना है। क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश लगभग बहुत दूर है, अभी 135 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ तक हम ब्रेक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हमने इसे चेंज करवा लिए थे। सो गाइस, फाइनली हमको यहाँ पर पानी का स्रोत मिला है, मतलब पानी आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से बोतल वगैरह भर लेते हैं ताकि आएगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आखिर हमको नॉनस्टॉप चलना है, खाना बना लेंगे रास्ते में, मैगी वगैरह बना लेंगे, तो पानी वगैरह भरते हैं पहले। सो गाइस, हम रुके थोड़ा हाईवे पे, यहाँ पर से नदी का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो ये समुद्र जैसा लग रहा है। कैसा कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा। मैं
तो गाइस यहाँ पे हम धारी देवी मंदिर जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में पड़ता है। तो आप देखो मंदिर पर मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को। छोटे भाई भी आ रखे हैं न्यू कपल, बताएं। धन्यवाद। तो गाइस हम जा रहे हैं मेन गेट से और एक रास्ता यहाँ से भी बताते भैया। तो गाइस मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ ऊपर से। यहाँ देखो ना उल्टा। तो आगे बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी है तो हम अभी वेट कर रहे हैं। गंगा नदी। सो गाइस हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है अंदर। और पीछे धारी देवी मंदिर आप देख सकते हैं और हम जा रहे हैं अभी नीचे यहाँ पर फोटो खींचने के लिए। आ जाओ जल्दी दौड़ के आओ। इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने। थाम लूँ हाथ में वो बाफिकर ना कायनात। सो यहाँ पे आके बहुत ज्यादा मस्त फील हो रहा है। और ना सुबह ऐसा हम बना रहे हैं मैगी यहाँ पर और यहीं पीछे की मेरी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे छाया मिली, यहाँ पे छाया बना रहे हैं मैगी तो फिर भी ज़्यादा गर्म हो रहा है भयंकर वाला। तो वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता कितना गर्म हो रहा है, लेकिन ये बन रही है मैगी। और अभी अभी कितना बज गया भाभी? 1:03। तो अभी 1:03 हो गया है। यहाँ से अभी हमको कहा जाना देवप्रयाग ना, देवप्रयाग जाना है। इसके बाद यहाँ से कहा जाना है देवप्रयाग, देवप्रयाग फिर पता नहीं। तो गाइस हमारी नींदू यहाँ पर है और ये हाईवे है पूरी, तो हमको यही जगह मिली एक छाया वाली। बाकी हर जगह लोग बैठे हुए थे सब जगह, तो हमको यही जगह सही लगी तो हमने यहाँ गाड़ी लगा ली। और कुछ खाया भी नहीं था तो तभी लगाया हमने। तो गाइस हमने मैगी बाहर बनाई और हम खा खा रहे हैं हम गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, गर्म हवा चल रही है तो बाहर रहना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो यही बात है और हम खाते हैं मैगी। आज गाड़ी के अंदर मैगी खा रहे हैं, नया नया अनुभव है। कैसा लग रहा है? अच्छा, एसी की हवा लेते हुए विद एसी। तो खा के मिलते हैं आप लोगों को, काफ़ी टेस्टी होने वाला है शायद लग रहा है मुझे।
तो गाइस हम लोग देवप्रयाग पहुँचे और यहाँ पे जो नदियों का संगम होता है, कौन कौन सी नदी है? एक तो वाली तो गंगा नदी है ना, ये वाली नदी का ज़्यादा डाउट आ रहा है मेरे को। प्लीज कमेंट में बताना है जो इधर से आ रही है नदी कौन सी है, गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते ना हम किसी को। तो उधर वाली तो गंगा है, वो दिखा भी रहे हैं, हमने मैप में देखा, इधर का मैप भी दिखा रहा था, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो ढाई घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और अच्छी छाया है यहाँ पर, ये देखो। हम फाइनली ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और अभी शाम के बज रहे हैं, 6:30 होने वाला है, तो अभी उजाला ही है बाहर, तो हम तब तक मंदिर घूम के आते हैं और लक्ष्मण झूला पुल देख के आते हैं, क्योंकि अगर आए हैं तो टाइम है अभी, जब तक तो देख के आते हैं ना। तो ये ब्लॉग मैं यहीं करता हूं और नेक्स्ट ब्लॉग में लक्ष्मण झूला से स्टार्ट करूंगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। तब तक मस्त रहें, बाय बाय।